अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में सामान्य सी जानकारी। लिखित परीक्षा 70 मार्क्स की होती है, प्रयोगात्मक 30 मार्क्स की होती है, टोटल भौतिक विज्ञान की परीक्षा 100 मार्क्स की होती है। लिखित परीक्षा में कुल 9 प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये MCQ टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय। इसमें 6 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड 1 मार्क्स का होता है। जैसे के खंड है, खे है, गे, घे, अंगे, चे, ये 6 खंड हो गए। मल्टीपल चॉइस यानी इसमें जैसे के खंड है, मान लीजिए दिया हुआ है त्वरण का विमीय सूत्र होता है, इसमें दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए लिखा है LT, ये लिखा है LT-1, ये लिखा है LT-2, ये लिखा है L²T-2, ये ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आप आंसर लिखेंगे, एक बात तो ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस वाला है उसके 6 खंडों के आंसर एक ही पेज पर लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे, अलग अलग जगह नहीं करेंगे। कॉपी में एक ही जगह क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया जाएगा, 6 के 6 खंड एक ही जगह होंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के, मान लीजिए त्वरण का विमीय सूत्र पूछा गया है और ये आंसर सही है, तो इसमें 3rd LT-2 ये लिखा जाएगा। और ध्यान रहे कॉपी में पेज में आगे की पूरी लाइन खाली पड़ी रहेगी, और यहां कम से कम 2 लाइन का गैप होना चाहिए, 2 लाइन का गैप कम से कम तो किन्हीं भी 2 प्रश्नों के आंसरों के बीच में आपको रखना है, क्योंकि यहां मार्क्स देने होते हैं। तो कोई भी खंड करिए, 6 खंड करिए, जो भी आंसर है, ये ऐसा नहीं है कि बस केवल ये लिख दिया या केवल 3rd लिखने से काम हो जाएगा। क्या लिखिए, जो पार्ट दिया हुआ है आंसर का सही वो भी लिखिए, जो आंसर है वो भी लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्रश्न नंबर 1 को आप जहां भी करेंगे कॉपी में, शुरुआत में करें, बीच में करें, बाद में करें, इसमें ध्यान रखें कि 6 खंड एक ही जगह पर किए जाएं। और ये ऑप्शनल टाइप का है तो इसमें पार्ट भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, और एक लाइन में केवल एक ही प्रश्न का आंसर होना चाहिए, दूसरा नहीं। यानी कि काफी जगह बच गई, यहां 6 खंड का भी आंसर लिख दो, ऐसा नहीं। और 2 लाइन का गैप, कम से कम 2 लाइन का गैप, जितने भी प्रश्न आप करेंगे, जितने भी खंड आप करेंगे, कम से कम 2 लाइन का गैप, 3 का हो और अच्छा है, गैप होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 6 खंड होते हैं, वो भी 1-1 मार्क्स का होता है, और इसमें आमतौर पर कोई फॉर्मूला सूत्र पूछ लिया जाता है,
परिभाषा पूछ ली जाती है, कोई लॉजिक पूछ लिया जाता है, तर्क पूछ लिया जाता है, यानी ये एक तरह से अति लघु त्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 4 खंड हैं करने आपको, एक खंड की छूट भी होती है अथवा में दिया हुआ हो सकता है, और ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, और इसमें थोड़ा सा कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन, छोटा अंकिक प्रश्न हो सकता है, किसी सूत्र के संबंध में कुछ विशेष बात पूछी जा सकती है, यानी एक तरह से होती है लघु त्रिय है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें 5 खंड होते हैं, इसमें भी 5 खंड होते हैं, 5-5 खंड होते हैं दोनों में, 4 और 5 में, और ये 3-3 मार्क्स के होते हैं। आमतौर पर इसमें डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, कोई सिचुएशन दी हुई होगी और उसके संबंध में कुछ पूछा गया होगा, यानी एक तरह से ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक 5 अंक का होता है, या तो इनमें 2-2 खंड दिए हुए होंगे, एक एक करने होंगे, या फिर इसमें से अथवा दिया हुआ होगा, 6 में 2 पार्ट 2 दिए होंगे, एक प्रश्न है उसका दूसरा खंड भी दिया हुआ होगा, तो एक खंड करना है, यानी 6 में से एक करना है, 7 का एक करना है, 8 का एक करना है, 9 का एक करना है, प्रत्येक 5 अंक का है, ये दीर्घ उत्तरीय होते हैं। इसमें सब डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एक्सप्लेनेशन यानी सूत्र के निगमन, आंकिक प्रश्न और एक्सप्लेनेशन, कोई भी बड़े जो सवाल होते हैं वो इनमें होते हैं। तो इस तरीके से करके आपको बहुत सारे प्रश्न करने हैं, 5, 5-10, 4-14, 4-18 और 6-24 और 6-30, बहुत सारे प्रश्न करने हैं, तो टाइम का मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना होगा। इसलिए जो पहला प्रश्न है जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, इसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, और ये सारे खंड एक ही जगह करने हैं, इसलिए इसको शुरुआत में नहीं करें। प्रश्न नंबर 2 से शुरू कर सकते हैं, पहले प्रश्न को शुरुआत में नहीं किया जाए, दूसरे प्रश्न से शुरू करें, दूसरे तीसरा आगे करते चले जाएं, जो नहीं आता हो उसे छोड़ते चले जाएं, बाद में करें, खाली जगह नहीं छोड़ें पेज में, कॉपी में, इसलिए खाली जगह नहीं छोड़ें कि बाद में यहां कर देंगे, नहीं, 2-2 लाइन छोड़ते जाइए, करते जाइए, इसमें से 2 खंड आते हैं 2 करिए, 2 आते हैं 2 करिए, 3 आते हैं 3 करिए, करते चले जाइए, और फिर जैसा भी आप कर करके देखें, यानी 2 प्रश्नों के आंसर के बीच में 2-3 लाइन का गैप हो, और बीच में पेज खाली नहीं छोड़ा जाए, और रफ वर्क साथ साथ किया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आप आंसर लिख रहे हैं, और ये कोई भी गुणा भाग मान लीजिए आपको करनी है, तो यहाँ आप कर रहे हैं, तो ये जो कॉपी का ये हिस्सा है इसमें ऐसे लाइन खींच दें यहाँ, और यहां रफ वर्क करते चल जाए, रफ वर्क को काटने की जरूरत नहीं है, तो जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ भी रफ वर्क करना हो तो इधर करते जाइए,
थोड़ी सी जगह ऐसे लाइन खींचिए या नहीं खींचिए और रफ वर्क करते जाइए, इसको रफ भी रफ लिखते जाइए, बस रफ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बस करते जाइए। यहाँ कोई आपने प्रश्न किया है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो यहाँ कर लीजिए उसको। ये तरीका होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये आपका पेपर पैटर्न होगा। मिनिमम आपको थ्योरी में लिखित में 23 मार्क्स लाने होते हैं, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स होते हैं, यानी 33 टोटल हो गया। ये अलग अलग पास होना होता है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल में 10 से कम आ गए तो फेल माने जाएंगे। यहाँ कम से कम 23 और यहाँ कम से कम 10, तो इस तरह का पेपर पैटर्न आपका हाफ ईयरली का होगा। सिंसियरली मेहनत करें, प्रयास करें।